ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी ये व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी ये व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है, 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इस तरह की जनउपयोगी खबरों को देखने के लिए आप केस न्यूज से जुड़े और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।